शॉर्ट्स पे वीडियो बनाए, अम्ब्रेलास पे वीडियो बनाए और आपकी बहुत तगड़ी डिमांड आ रही थी कि विंड चीटर पे भी वीडियोस चाहिए। इस वीडियो में आपको 6 ऐसे अमेजिंग विंड चीटर्स दिखाने वाला हूं जो कि अच्छे ब्रांड्स आते हैं, साथ ही बजट में है। और पता है, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार चेक कर रहा था विंड चीटर को आखिर हिंदी में क्या बोलते हैं, तो गूगल माता क्या बोलती पता है? पवन धोखेबाज। चीटर आ गया हमारे पास में। जस्ट लुक एट दिस पिद्दू सी पैकेजिंग। ओह नहीं 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 भाई, एक पाउच है छोटू सा, और ये पाउच के साथ साथ पूरा पॉकेट भी है जो हमने देखा था डीकैथलॉन वाले जैकेट में, हैवीली क्रस्ड हो चुका है। पूरा ब्लैक कलर का विंड चीटर है। ऊपर में आपको कॉलर देखने को मिल जाएगा जो कि थोड़ा सा खड़ा खड़ा चाइनीज कॉलर टाइप का बनाया गया है। साइड साइड में आपको दो पॉकेट्स मिल जाएंगे। ब्लेजर के लिए यहाँ पर आपको टिप टॉप वाला एक बटन देखने को मिलता है। अच्छी बात क्या लग रही है, इस पूरे ब्लैक कलर के विंड चीटर में पॉकेट के साइड साइड में, चेन में और कॉलर के अंदर में आपको ओशन ब्लू कलर का हिंट देखने को मिलेगा जो कि इसे फुल्ली ब्लैक होने से बचाता है। लेफ्ट चेस्ट पे आपको द इंडियन गैराज की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। दैट्स इट, ये एक बहुत ज्यादा सिंपल पोर्टेबल विंड चीटर है। अगर आपको इंस्टेंट कहीं कुछ पहनना वहना है ना, तो आप एक छोटू सी जगह पर इस पूरे जैकेट को कैरी कर सकते हो और ये आपको ठंडी हवाओं से आराम से बचाएगा। लेकिन ये बात बता दूं कि ये बेस्ट क्वालिटी नहीं है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं H&M का विंड चीटर। इस तरह की पैकेजिंग में आता है, कितना ज्यादा खूबसूरत कलर है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इसे जब ट्राई किया ना भाई, एक्सट्रीमली लाइट वेट है। देखो साथ ही H&M है ना, तो आपको डेफिनेटली प्रीमियम चीजें एक्सपीरियंस होगी इस जैकेट में। वाइन कलर का पूरा जैकेट है, बीच में आपको ब्लैक कलर की चेन मिलती है जिसको भी अगर आप क्लोजली देखोगे ना, एकदम प्रॉपर सील्ड किया गया है, तो एयर बिल्कुल भी अंदर नहीं जाने वाली। अंदर की तरफ आपको पूरा नेट का काम मिलता है जो कि विंड चीटर में होता ही होता है। अंदर में आपको H&M की ब्रांडिंग मिल जाएगी। यहाँ पर इसकी प्राइसिंग लिखी हुई 2999, लेकिन आपको ये डिस्काउंट में मिलेगा। मस्त चीज क्या है ना कि चेन के ठीक सटा करना साइड में आपको एक पॉकेट दिया गया है, एंड डेफिनेटली यूजफुल तो होगा ही होगा। टांगने के लिए आपको एक लूप मिलता है, एक प्रॉपर बड़ा सा हुड देखने को मिलता है, टाइट करने का भी आपको यहाँ पर जुगाड़ देखने को मिल जाता है। फुल स्लीव वाला जैकेट, एंड में आपको कफिंग्स देखने को मिल जाएगी। कफिंग्स बहुत ज्यादा टाइट नहीं है, अच्छी क्वालिटी की है और स्मूथ भी है। नीचे की तरफ आपको टाइट करने के लिए वही इलास्टिक्स देखने को मिल जाती है, हालांकि इसके नीचे में आपको वो वेस्ट बैंड देखने को नहीं मिलता, मतलब इलास्टिक नहीं देखने को मिलता, तो एकदम प्रॉपर ना सीधा स्ट्रेट रहता है जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि जिस जैकेट के नीचे में रबर होता है ना, वो ना ऐसा करके चढ़ जाता है, फिर मुड़ जाता है, फिर चेन ऐसा पेट जैसा निकल जाता है, बहुत गंदा दिखता है। अगर आपको एक प्रीमियम विंड चीटर चाहिए ना, डेफिनेटली इसके लिए जा सकते हो। इसमें ज्यादा डिजाइनिंग नहीं है ना, ये बहुत ज्यादा वर्सेटाइल भी हो जाता है। साथ ही एक ऐसा डार्क कलर है, इसे आप किसी भी बॉटम वेयर के साथ पहनोगे अच्छा लगेगा। मैं पहन के कैसा लग रहा हूँ ये सारी चीजें आप पीछे देख लो। फटाफट चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट जो हम ब्रांड देख रहे हैं वो देख रहे हैं भाई डीकैथलॉन। देखो, जैकेट्स की बात हो, रेनकोट्स की बात हो, विंड चीटर्स की बात हो और डीकैथलॉन की बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। वेल बिल्ड जैकेट आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर इसकी प्राइसिंग लिखी हुई है 1799 रुपए, जो की स्टिल बहुत ज्यादा अच्छी है। ब्लू कलर का पूरा ओवरऑल जैकेट है, डिफरेंट शेड्स ऑफ ब्लू यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। बीच में आपको जिप देखने को मिलता है जो की सेम क्वालिटी का है जैसा H&M में यूज हुआ था। लेकिन इस जैकेट में ना भाई प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए खतरनाक काम किया गया है। जैसे बैक के सेंटर में देखोगे तो यहाँ पर पूरा नेट है, जैकेट के साइड साइड में आपको पूरा नेट का काम देखने को मिलेगा। सिर्फ राइट साइड में यहाँ पर आपको एक पॉकेट प्रोवाइड किया गया है, इसकी डेप्थ अच्छी खासी है, एक फोन तो आपका आराम से चल जाएगा। नीचे की तरफ आपको रबराइज प्रिंटिंग के थ्रू ग्राइंडिंग देखने को मिल जाएगी। अंदर की तरफ आपको डीकैथलॉन का पैच देखने को मिलता है। हुड की क्वालिटी इसमें भी बहुत ज्यादा अच्छी है। हुड के साइड साइड में ना आपको थोड़ी सी इलास्टिक देखने को मिलेगी, तो पहनने में ना बहुत ज्यादा आसानी होती है। साथ ही ऊपर में आपको रिफ्लेक्टिव मटेरियल की कोटिंग देखने को मिल जाएगी। दोनों स्लीव्स के एंड में एकदम पतली इलास्टिक वाली कफिंग दी गई है जो कि बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। देखो, एक विंड चीटर का ना लाइट वेटेड होना और वेंटिलेटेड होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ना ही तगड़ी बारिश हो रही है, ना ही तगड़ी एकदम ठंड हो रही है, तो जो बीच बीच का सिचुएशन है उस पे ये विंड चीटर्स बहुत ज्यादा काम में आते हैं। साथ ही बहुत सारे लोग जिम में वेट लूज करते वक्त भी ना विंड चीटर्स को पहनते हैं, ताकि थोड़ी सी गर्मी हो, ज्यादा स्वेटिंग हो, तो आप भी उस पीरियड में हो तो डेफिनेटली इसे यूज कर सकते हो। क्वालिटी अगेन बहुत ज्यादा तगड़ी है। नेक्स्ट विंड चीटर वापस आता था इंडियन गैराज की तरफ से। इस वीडियो को बनाने से पहले ना हम बहुत ज्यादा रिसर्च कर रहे थे कि किस ब्रांड से अच्छी चीजें हमें मिल पाएगी, एंड टू बी ऑनेस्ट बहुत कम ऐसे ब्रांड थे जो एक्चुअल में जैकेट को विंड चीटर नाम से बेच रहे हैं। मतलब अगर होगा भी ना मार्केट में, तो कीवर्ड की प्रॉब्लम के कारण ना मिल ही नहीं पा रहा था। इंडियन गैराज की आपको ब्रांडिंग मिल जाएगी। प्राइसिंग यहाँ पे लिखी हुई 2499, लेकिन बता दूं कि भाई 500 रुपए के आसपास का ये जैकेट है। जिप की क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है, व्हाइट कलर का जिप है। अंदर में आपको प्रॉपर नेट की लाइनिंग देखने को मिलेगी, साथ ही ना पूरी लाइनिंग स्ट्रेच होती है, बहुत ज्यादा अच्छी लगी मुझे। अंदर में आपको इंडियन गैराज की ब्रांडिंग मिल जाएगी। आउटर साइड में देखोगे तो साइड साइड में आपको दो पॉकेट्स देखने को मिल जाएंगे। नीचे में आपको पूरा वेस्ट बैंड देखने को मिल जाएगा। क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है, सॉफ्ट है, और ऊपर में आपको थोड़ी सी कलर्स देखने को मिलेगी जो कि इस व्हाइट जैकेट को सुपर स्टाइलिश बनाती है। एक तरफ आपको थोड़ा मस्टर्ड येलो, दूसरी की तरफ ब्लू, और ऑपोजिट साइड में दोनों स्लीव में ये कलर डाले गए हैं। स्लीव के एंड में भी आपको कफिंग देखने को मिलेंगी जिसकी क्वालिटी अच्छी है, हालांकि थोड़ी सी चौड़ी है। ये चौड़े वाले कफिंग्स ना थोड़े से ओल्ड फैशन हो चुके हैं अभी, लेकिन कोई ऐसा मेजर प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेफ्ट चेस्ट पे आपको थोड़ी सी टेक्सोग्राफी प्रिंट देखने को मिलेगी, जहां पर लिखा हुआ टेक स्पोर्ट्स सीरीज। ओवरऑल पहनने में कैसा लग रहा है ये सारी चीजें आप पीछे देख लो, और अगर आपको ये लुक अच्छा लगता है
आता है डेफिनेटली इसके लिए जा सकते हो। मैं 700 रुपए के आसपास में ये जैकेट है, लिटरली भाई लॉटरी। नेक्स्ट जैकेट आ गया हमारे पास में, और इस जैकेट के लिए, इस ब्रांड के लिए भाई आपने बहुत ज्यादा डिमांड करी है। इससे पहले हमने एक रेनकोट के ऊपर वीडियो बनाई थी और बहुत सारे लोगों ने ये बोला कि आपने ज़ील के प्रोडक्ट क्यों नहीं ऐड करे। आई एम सो सॉरी भाई, लेकिन इस बार मैंने एक विंड चीटर ऐड करा है ज़ील की तरफ से, बहुत ज्यादा अच्छी क्वालिटी का ब्लैक कलर का पूरा जैकेट है। एक आपको प्रॉपर हुड देखने को मिल जाएगा, हुड को टाइट करने के लिए साइड साइड में आपको इलास्टिक देखने को मिल जाएगी, बीच में आपको चेन मिलता है, एयर ब्लॉकेज जैसा ना इसे डिजाइन किया गया है। अंदर की तरफ आपको वही नेट वाली लाइनिंग देखने को मिलेगी, एकदम प्रॉपर इसे नेट नहीं बोल सकते, लेकिन कैसे जूतों में मेश का काम होता है उस तरह का ना ये फैब्रिक दिखता है। राइट साइड में आपको दो पॉकेट देखने को मिल जाएगी, जिसमें क्लोजर के लिए वो टिप टॉप बटन दिया गया है। नीचे की तरफ आपको वेस्ट बैंड देखने को मिल जाएगा, जो कि प्रॉपर ना एक इलास्टिक जैसा फील होता है। दोनों स्लीव्स के एंड में भी आपको कफिंग्स देखने को मिल जाएगी, और ये कफिंग्स ना प्रॉपर टाइट होने वाली आपके हाथों में। शोल्डर्स के साइड साइड में आपको एक ऑरेंज कलर की स्ट्रिप देखने को मिलेगी, जो कि ओवरऑल इस जैकेट में थोड़ी सी डिजाइन ऐड करती है। पीछे की तरफ आपको और कुछ नहीं मिलता, एक सिंपल सोबर ब्लैक कलर का विंड चीटर है आपके डिमांडिंग ब्रांड ज़ील की तरफ से। ज़ील के यहाँ पर आपको ब्रांडिंग मिल जाएगी, और इसकी प्राइसिंग यहाँ पे लिखी हुई है 2,099 रुपए, लेकिन ये आपको 1,100 रुपए के आसपास में पड़े, जाना चाहो जा सकते हो। ऑलराइट, नेक्स्ट एंड द लास्ट ब्रांड आ गया हमारे पास में। देखो अमेज़न की वीडियो बने और अमेज़न के प्रोडक्ट्स ऐड ना हो ऐसा हो नहीं सकता भाई। ये जैकेट ना, ओ भाई क्वालिटी फील होती है भाई, क्वालिटी फील होती है। सिमोल की आपको ब्रांडिंग मिल जाएगी, यहाँ पर प्राइसिंग लिखी हुई 2,999 रुपए, जस्ट अ जोक। एक बहुत खूबसूरत ऑलिव ग्रीन कलर का जैकेट है, जहाँ पर आपको बीच में जिप मिलता है, जिप की क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है। हालांकि H&M में कैसे एयर ब्लॉक टाइप का उसे डिजाइन किया गया था, इसमें सिंपल जिप है बस। फैब्रिक की क्वालिटी बहुत ज्यादा स्मूथ है, बहुत लाइट वेटेड जैकेट है। प्रॉपर आपको एक बड़ा सा हुड देखने को मिल जाएगा, अंदर में प्रॉपर नेट की लाइनिंग देखने को मिलेगी। सिंबल का आपको ब्रांडिंग मिल जाएगी, एम साइज हमने लिया है। साइड साइड के अगर पॉकेट्स की बात करें तो दोनों साइड में आपको पॉकेट्स तो मिलते हैं, जिसकी डेप्थ भी अच्छी है, लेकिन यहाँ पर क्लोजर के लिए कुछ नहीं दिया गया। दोनों स्लीव्स के एंड में आपको पतली सी कफिंग देखने को मिलती है, जो कि सुपर डुपर स्टाइलिश और कंफर्टेबल है। विंड चीटर्स में देखो हल्का सा टाइट होगा ये, क्योंकि इसे ठंडी हवाएं रोकने के लिए बनाया गया है। ओवरऑल प्राइसिंग के हिसाब से ना भाई इसकी क्वालिटी सच में काबिलियत तारीफ है। ऐसा सोच रहा था भाई सिंबल जैसी कंपनी का कैसा होगा, मेरे लिए ना ये एक्सपेरिमेंट था, लेकिन भाई काम आ गया। महज 900 रुपए में ना आपको बहुत तगड़ी क्वालिटी मिल रही है। मतलब अगर आपको H&M महंगा लग रहा है, डिकैथलॉन महंगा लग रहा है ना, तो आंख बंद करके इसके लिए जाना, मस्त चीज मिलेगी आपको। अगर कोई ब्रांड छूट गया हो तो आप मुझे कमेंट में जाकर बता सकते हैं, और अगर ये वीडियो चल गई मेक श्योर वीडियो को लाइक करके चैनल जाकर सब्सक्राइब करके इंस्टाग्राम में टेलीग्राम में फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय, जय हिंद, पीस, बूम।